गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट्स 10th बायोलॉजी क्लास. वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 1. हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. उसके दो पार्ट्स रखे थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करें. हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन. ओके स्टूडेंट्स, क्या टॉपिक है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन फॉलोज लार्ज इंटेस्टाइन. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या आती है? लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन फॉलोज लार्ज. हेयर वाटर इज अब्जॉर्ब. वाटर क्या हो गया? अब्जॉर्ब हो गया. अनडाइजेस्टेड फूड भी क्या हो गया? स्टोर हो गया फॉर द टेम्परेरी बेसिस, ठीक है, रेक्टम में. आगे हम आ जाते हैं एनस पे. इट इज द सेकेंड ओपनिंग ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सेकेंड ओपनिंग है थ्रू विच अनडाइजेस्टेड फूड इजेक्टेड आउट. मीन्स सेकेंड ओपनिंग, फर्स्ट ओपनिंग तो हमारी माउथ थी, सेकेंड ओपनिंग ये होगी. मीन्स जो फूड हमने डाइजेस्ट किया, ठीक है, वो तो एनर्जी, जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो बॉडी से आउट आएगा. वो किसके थ्रू आएगा? एनस के थ्रू. ओके स्टूडेंट, ये डायग्राम है, आपको बहुत अच्छे से करना है. माउथ कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर. ओके जस्ट अ मिनट, इसके जो भी पार्ट्स हैं आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं. आपको एक भी इसमें से टॉपिक नहीं छोड़ना, अदरवाइज बहुत ही आपको प्रॉब्लम होगी समझने में. और वैसे भी आप अगर डायग्राम कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको लर्निंग में क्या हो जाता है? इजी हो जाता है. लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, स्टमक, पैंक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दी एनस. आगे देखो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन. इट इज़ अ मोड ऑफ द इनटेक ऑफ द फूड. फूड को इनटेक करना और उसको यूटिलाइज करना इन द बॉडी फॉर द किसके लिए? ग्रोथ और द डेवलपमेंट के लिए. उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. स्टेप्स क्या है? इंजेशन, द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड. मीन्स फूड का लेना और ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इंजेशन. मुंह में डाला, उसे इंजेस्ट करना. द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इंटू सिंपलर एंड द सॉल्युबल मॉलिक्यूल. डाइजेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? जो फूड के पार्टिकल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन करने, किसमें? सिंपलर और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, वो भी बॉडी के अंदर. उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. आगे एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल मॉलिक्यूल. ऐसी प्रोसेस जहाँ पर जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? डाइजेस्टेड फूड में. और वो कहाँ पे पास होते हैं? बॉडी फ्लूड्स में, लाइक ब्लड. इसे हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन. ओके, अब हम बात करें एसिमिलेशन की. द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी. मीन जो फूड एब्जॉर्ब हो चुके हैं वो किसके लिए यूज हो रहा है? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. इसे हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन. इजेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल. जो अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल हैं वो क्या कहते हैं? बॉडी में से बाहर निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इजेशन. न्यूट्रिशन द अमीबा. द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन द अमीबा इज कॉल्ड अ होलोजोइक न्यूट्रिशन. जो मोड है न्यूट्रिशन का हम उसे क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन. द न्यूट्रिशन इन द अमीबा टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वे. अब हम कर रहे हैं देखो इंजेशन. अमीबा इज अ यूनिसेलर है, हैंस इट डज नॉट हैव अ माउथ. इसका माउथ नहीं है. अमीबा फूड को लेता है इन द बॉडी बाय फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया. अराउंड द फूड पार्टिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल. वैक्यूल क्या होता है? इज टेकन इनसाइड द सेल. सेल अपने अंदर ले लेते हैं इसको. आगे देखो डाइजेशन. द फूड पार्टिकल इनसाइड द वैक्यूल इज ब्रोकन डाउन. जो फूड पार्टिकल है इनसाइड वैक्यूल के अंदर, यह ब्रोकन डाउन हो गया इंटू सॉल्युबल पार्टिकल, जिससे हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम इनसाइड द वैक्यूल. आगे है एब्जॉर्प्शन. द ब्रोकन फूड पार्टिकल इज एब्जॉर्ब. जो ब्रोकन फूड पार्टिकल है उसे क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? इंटू साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा बाय द डिफ्यूजन. द फूड पार्टिकल्स विच आर अनएब्जॉर्ब्ड आर लेफ्ट इनसाइड द वैक्यूल. जो फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या अनएब्जॉर्ब रहते हैं? वो क्या रहते हैं? बच जाते हैं इनसाइड द वैक्यूल. आगे हमारा एसिमिलेशन. द एब्जॉर्ब फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. जो एब्जॉर्ब फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में. मीन्स फूड को एब्जॉर्ब किया, उसकी एनर्जी रिलीज हुई, उसका स्टेप को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन. आगे है स्टूडेंट हमारा इजेशन. द अनडाइजेस्टेड फूड इन द फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से बाहर निकालना. स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, जहाँ पे आई वर्ड आ जाए इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, ठीक है. जहाँ पे वर्ड आ जाए
ईजेशन, ई मीन्स एग्जिट, ठीक है, फूड का बाहर निकलना। डायग्राम देखो, फर्स्ट में क्या होगा, देखो न्यूक्लियस फूड पार्टिकल हो गया, सूडोपोड, उसके बाद क्या हुआ, फूड पार्टिकल वैक्यूल अंदर गया, ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आ गया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ओके, जो हमने पढ़ा ना अभी तक, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड दी इजेशन, ओके, तो वही हमें दिखाया गया। देखो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड दी इजेशन। आज हम इतना ही करेंगे, ओके, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।